जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका विजय पथ एजुकेशन पालमपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम जो है आपकी क्लास लेकर आए हैं जो है कि छूट से जुड़े हुए सवाल, और ये सवाल हमने पहले भी किए थे। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानने के लिए क्लास पहली क्लास है वो देख लीजिएगा। आज जो क्लास है, ये पहला सवाल आपका स्क्रीन पे ये रहा। तो सबसे पहले सवाल हम देखेंगे छूट से जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में क्वेश्चन क्या कहता है, इसे ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन जो है बड़ा ही सिंपल है कि 20% की लेकर 12% लाभ लेने के लिए 12% अंक लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर, क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर से पढ़ते हैं हम ध्यान से। पहले तो ये क्वेश्चन किसके ऊपर है, अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी पर है और कॉस्ट प्राइस है एमआरपी जो है वो सीपी और होगा क्या वो भी परसेंटेज को निकालना। छूट देकर 12% लाभ लेने के अंकित मूल्य क्रय मूल्य से आकर रखना होगा। पहला सवाल है हम सॉल्व करने जा रहा हूँ। पहले है आपको पता है 20% की छूट दे रहा है, 12 लाभ कमाना है तो इस 10 करना ही पड़ेगा। तो 12 20 जमा 12 हो गया, मगर छूट भी तो दिखानी है, दिखावा तो करना है। तो वो किस में करना है, 100 पर, 100 माइनस कितने की छूट और साथ में किस याद निकालना है परसेंटेज। सॉल्व कर लीजिए कितना हो जाएगा, 20 ये हो गए, 12 ये हो गए, 32 ओवर 80 गुणा 0 कितना हो जाएगा जी, 8 चौके 32 ये 10, 0 से 0 गया कितना आ गया 40 पर बस ना बराबर। अगला क्वेश्चन देख, एक और क्या बोला है, 18% की छूट देकर 23 का लाभ कमाना है, दिखावा करना है जी, दिखावा करेंगे नहीं है, 18 की है 23 का लाभ कमाना है। तो 18 जमा 23 कर लो, 18 जमा 23 क्यों, क्योंकि हमें तो लाभ लेना है तो 23 इसी के अंदर होता है, मगर अब दिखावा करना था इसलिए हमें परसेंटेज कितनी होती नीचे आती है। तो 100 में से कितनी हम छूट दे रहे हैं, 18 की, कितने की दे रहे हैं 18 की, और मल्टीप्लाई क्या कर लेंगे 100 किस चीज का, परसेंटेज का, किस चीज का बेटा परसेंटेज का है, प्लस कर दो 8 4 12 होते हैं पर 8 3 11 1 2 3 और एक वो 40 बटा और माइनस कर लो इससे कितना हो गया 82 मल्टीप्लाई बाय 100 ठीक है बच्चों, 47 दूनी 82 2 1 2 2 जाए 100% आई होप कि आपको ये टाइप भी क्लियर हो गया होगा। जब भी का डेट के ऊपर एमआरपी के ऊपर दे रहे हैं और उसके ऊपर हमें लाभ कमाना है, उन्होंने कहा होता है हर बार अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, कितने परसेंट बढ़ाना पड़ेगा या होगा, थोड़ा सा ध्यान से इस टाइप के क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ये क्वेश्चन समतुल्य बट्टा से, समतुल्य मतलब रेगुलर बेसिस पे होता है कि रेगुलरली जो है वो चेंज हो रहा है, क्वेश्चन जो है वो समतुल्य बट्टा से है, समतुल्य
समतुल्य बट्टा से जुड़ा हुआ सवाल है, समतुल्य बट्टा से कुछ इंपॉर्टेंट है। कैसे करेंगे, अपना आइडिया लगाएं बच्चे। वो भी बताता हूँ, ये बट्टा का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है, कई बार पेपर से पूछा गया सवाल है, और ये बोलते हैं सर मैं बता दो, तो उनके लिए बता दो मतलब बराबर होगा। क्वेश्चन रहता है, इसी के साथ देखने में ऐसे लग रहा है जैसे छोटा सा ये, और है भी छोटा सा ये, मैं करवाया है पहला टाइप का क्वेश्चन। समतुल्य बट्टा निकालना है बच्चों, मैं आपको बता दूं, एक को एक्स मान लो, एक को वाई मान लो, क्या बोल लो, एक को एक्स मानते हैं एक को वाई मान कर भी कर सकते हैं, अगर उस तरीके से नहीं करना है तो दूसरा तरीका बता रहा हूँ। 100% लो, डिस्काउंट दिया जी 10% का, कितना रह गया 90, 90/100 कितना, 20% का और डिस्काउंट है तो 80/100, 0 से 0 गई, 0 से 0 गए, और 8 9 72 72, ठीक है। ये तो हमने 100% से निकाला था, पर समतुल्य निकालना है तो हर बार आपने 100 माइनस है, जो आपने ये निकाला होगा हर बार 100 माइनस कर, ये सिंपल सा तरीका। एक और देख लेते हैं, आपने बोला नहीं सर, चलो सुनाओ इस मदद कर, बोलो भाई कुछ 3 बार चला देंगे कोई, देखो 100 से हमने कर लिया इतना 10% डिस्काउंट, 90, 20% 80/100, 20% यानी कि 70/100, आपको समझ तो आ ही गया होगा ये कैसे माइनस हो रहा है, 0 से 0 कैंसिल हो गए हैं, कैंसिल हो गया, 2 5 10 2 4 8, 9 4 6 7, 5 के जी कैलकुलेट करते रहेंगे साथ साथ में। मेन जो होती है वो कैलकुलेशन होती है हर क्वेश्चन की। क्या आएगा आपका आंसर, बहुत ही सिंपल सी, तो आपने 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आ गया, डिवाइडेड बाय 5 भी करने हैं अगर, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे आएगा आपका 0.4। आपको मैंने बोला समतुल्य निकालना है, इक्विवेलेंट निकालना है, समतुल्य समतुल्य यानी कि ये आपने माइनस कर लेना है 100 में से, में से इसको माइनस कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा 49.6, खास है ना जी, 49.6 माइनस कर समतुल्य से आपने फाइंड आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे अपठनीय क्वेश्चंस हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन, एक घड़ी का निर्धारित मूल्य जो है 720 का प्राइस रखा है, व्यक्ति ने 2/2 डिस्काउंट दे दिया, एक इतने पर खरीदा और दूसरा जो है इतने बट्टा अपठनी, मतलब पहला बट्टा गिवन है, बंदे ने 720 रुपए मान लीजिए दी थी और एक व्यक्ति ने 2/2 एक पर जो है 550 रुपए पर, पहले पर उसे 10% का डिस्काउंट दिया गया है, दूसरा उनको पता नहीं है, दूसरा पूछ लिया है, सिंपल सवाल है, घड़ी कितने की थी, घड़ी कितने की थी, ध्यान से देखो, घड़ी थी 720 रुपये की थी, 720 रुपये,
बंदे ने क्या किया, 10% का डिस्काउंट दिया ना पहली बार, 90 रह गया, 90 रह गया ना जी। इसका मतलब वो तो ठीक है, दूसरे का डिस्काउंट पता है, डिस्काउंट नहीं पता है, पर डिस्काउंट कितने से मिलता है, डिस्काउंट मिलता है 100 के ऊपर, तो 100 - x ओवर 100, डिस्काउंट तो डिस्काउंट है, घाटा है, माइनस में ही जाएगा, लाभ पर थोड़ी बेचा उसने, लाभ होता तो प्लस करते थे, पर ये तो डिस्काउंट चैप्टर है, तो माइनस में ही आएगा। इक्वल टू, कितने डिस्काउंट के बाद उसने कितने पैसे दिए, 5.8। बस इसी को ही हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है बच्चे, और कुछ नहीं, तो सिर्फ और तो कटेगा नहीं से पॉइंट। माइनस पर हम थर्ड से थर्ड माइनस एक्स फाइव -72 मल्टीप्लाई 72 मल्टीप्लाई 9 कितना, 40, 48 और 50 राइट, 48 आ जाएगा। फाइव से माइनस एक्स फाइव टू एक्स की वैल्यू फाइव में टेन का डिस्काउंट 15% का बच्चा, 15% 15% डिस्काउंट अकाउंट का जो है, जो कि कई बार पेपरों में पूछा जाता है और बच्चों को आइडिया नहीं लगता, तो आप सब इस क्वेश्चन के टाइप को जो है जरूर पक्का करने की। इसी प्रकार से हम नए क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत और जय हिमाचल।